हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका स्वागत है बेबी हमजा ब्लॉग में। तो आज का स्पेशल डिश है, हर बच्चों को पसंद है, हर बड़े छोटे हर किसी का फेवरेट, चिकन पिज़्ज़ा। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको रेसिपी। तो हमारे पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं था, तो हमने सोचा कि हम घर में ही पिज़्ज़ा सॉस बना लेते हैं। तो ये आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत यम्मी और टेस्टी बनता है। तो मैंने लिया है केचप और मेयोनीज। पिज़्ज़ा सॉस से अच्छा बनता है, लेकिन इससे भी और अच्छा बनता है। आपको ज़्यादा घर में जो चीज़ है उससे भी हम बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पिज़्ज़ा सॉस हमें लेना चाहिए बाहर से। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था केचप, मेयोनीज और ये है शेज़वान चटनी। इसको जैसे कि मेरे को पिज़्ज़े का वन बेस, मतलब वन पिज़्ज़ा ही बनाना था, तो मैंने इसका इतना ऐड किया, मतलब वन टेबल स्पून सब होगा। आपको ज़्यादा बनाना है तो आप ज़्यादा इसमें ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शाम का टाइम था, हम बैठे हुए थे, तो सोचे चलिए आज पिज़्ज़ा ही बना लेते हैं और हमारे सब्सक्राइबर को दिखा देते हैं कि हम पिज़्ज़ा किस तरीके से बनाते हैं। तो ये मैंने ले लिया पिज़्ज़ा बेस और उस पर जो मैंने सॉस बनाया था वो अच्छी तरीके से लगा दूँगी, अच्छे से एकदम भर भर के लगाऊँगी, मोटा मोटे पर अच्छे से एकदम मैं इसे लगा लूँगी। आप लोग ज़रूर ट्राई करना इस तरीके से बनाने के लिए, सच में बहुत अच्छा बनता है, बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, बहुत ही यम्मी। तो ये मैंने ले लिया है बॉयल चिकन, इसको मैंने बॉयल करके इसके रेशे कर लिया है। ये है कॉर्न भुट्टा और शिमला मिर्च, इसको मैंने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लिया है। नमक और ब्लैक पेपर डाल के, मीन्स ऑफ काली मिर्च डाल के अच्छे से मैंने इसको सॉटे कर लिया है अच्छे तरीके से। और बॉईल करके चिकन को उसका मैंने रेशा रेशा, मतलब शेडेड कर दिया है छोटा छोटा। अब वो जब मैंने बेस पे सॉस लगाया था उसके ऊपर ये सारी चीज़ें चिकन और वेजिस डाल दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मोज़रेला चीज़, जो आपको कोई भी दुकान से मिल सकती है, आपके पास वे ये है तो यही इसकी, से अगर दूसरी चीज़ है तो दूसरी चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप। तो उसको हमें अच्छे से डाल देना है। अब जिसके घर में ओवन नहीं है तो पिज़्ज़ा कैसे बनाएंगे? ऑब्वियसली तक अपने तवे पे बनाएंगे हम। तो तवे को मैंने गैस पर रख के अच्छे से गरम कर लिया है, स्लो आँच पे हमें इसे बनाना है, क्योंकि बेस है वो नीचे से जलना नहीं चाहिए। तो हमें गैस के फ्लेम को स्लो रखेंगे, उसके ऊपर रख देंगे पिज़्ज़ा। अब इससे हम एक अच्छे से ढक्कन से या एक जी आप इसे खाने के जो प्लेट होती है उसे ढक के भी ट्राई कर सकते हैं। प्लीज़ प्लास्टिक की कोई प्लेट यूज़ मत करना ना कांच के, हमें जर्मन की ही प्लेट को यूज़ करना। तो मैंने पहले चेक किया था तो चीज़ मेल्ट नहीं हुई थी, फिर मैंने दोबारा चेक किया था चीज़ अच्छे से मेल्ट हो चुकी थी। हमें बहुत ही स्लो फ्लेम पर इसे बनाना है, फास्ट फ्लेम पर नहीं बनाना है कि बेस जल ना जाए। तो यहाँ पर मसाला से पिज़्ज़ा बहुत अच्छी तरीके से क्रिस्पी अच्छे से बन चुका था, खाने में माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना खाना है इसी तरीके से बनाने के लिए। और फिर मैंने इसी चम्मच से इसे फोर स्लाइस में डिवाइड कर दिया था। मैं हमजा को तो माशाल्लाह से बहुत पसंद आया था खाकर, उसे बहुत अच्छा लगा था, हमजा ने भी खाया है। आप लोग भी ज़रूर खाना, आप लोग अपने बच्चों को बनाकर टिफिन में दे सकते हैं। फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलना। जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर किया, थैंक यू सो मच गाइस। अल्लाह हाफिज़। वॉच फुल वीडियो।